दोस्तों, सर्दियों में इन पांच चीजों को खाने से क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगभग सर्दी आ चुकी है, अब कंबल रजाई निकालने के साथ ही खाने पीने की चीजों में भी बदलाव करना शुरू हो चुका है। बाजार में सर्दी के मौसम में आने वाली फल सब्जियां आ चुकी है और पसंद नापसंद के हिसाब से डाइट में भी बदलाव आप कर सकते हैं। लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो सर्दी के मौसम में खाने से आपके शरीर को काफी फायदा हो सकता है। मौसम बदलने की वजह से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नंबर वन, हरी सब्जियां। दोस्तों, सर्दी में एक आम चीज जो हर घर में नजर आती है वो है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां किसी भी वरदान से कम नहीं होती है, इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। सर्दी के समय घरों में हरा साग बनाना बड़ी ही आम बात हो चुकी है। हरी पत्तियेदार सब्जियां मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, इन सभी तरह की चीजें इसमें मौजूद होती है और ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। नंबर दो, सूप। दोस्तों, सर्दी में गर्मी का एहसास पाने के लिए सूप बेहद ही अच्छा विकल्प है। आप बाजार वाले सूप के साथ साथ घर पर भी अलग अलग प्रकार की सब्जियों का सूप बनाकर पी सकते हैं। नंबर थ्री, गाजर, मूली, शकरकंद, इन सभी का सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों, जड़ों वाली सब्जियां जैसे मैंने आपको बताया है, इनका सेवन शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। गाजर में विटामिन और मिनरल्स काफी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाता है, साथ ही साथ ये रोगों से लड़ने की क्षमता में भी इजाफा दिलाता है। इसी के साथ ही मूली, वही मूली में फाइबर पाया जाता है जो कि पाचन क्रिया को ठीक रखता है और पोटेशियम होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। इसी के साथ आता है ओट्स। दोस्तों, ओट्स या फिर ओट मिल को बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जा सकता है। इसे चंद मिनटों में आप बना सकते हैं और इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। नंबर फाइव, ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, इन सभी को खाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है। इसके अलावा ये सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स को सुपर फूड का भी दर्जा प्राप्त हुआ है क्योंकि इनमें खाने की किसी भी चीज के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। खाने में टेस्टी होने के साथ साथ इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। हालांकि सभी ड्राई फ्रूट्स को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा खाने से नुकसान भी पहुँचाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना पांच चीजों को सर्दियों में खाने पीने से शरीर में होने वाले फायदे के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।